अयोध्या में तीन बार खुदाई हुई, तीनों बार वहाँ बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। धर्म का लबादा उड़ने वाले लोगों ने तो यहाँ कह दिया कि जय बड़ा धम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियाँ हैं। तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? तुलसी बाबा ने कहा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो तब भी तुम विप्र की पूजा करना। अपूजहिन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी है ज्ञानी है ज्ञान में प्रवीण भी है तब भी उसका सम्मान मत करना। ये कौन बांटा? इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहाँ तक कि देश की 93% आबादी को क्या कह दिया? ये मारने पीटने और जुतियाने के पात्र हैं। ढोल गमार शूद पशुनारी शकल तारना के अधिकारी। ये किसने बांटा? मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक्ति ताकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है? ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने पीटने प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसने बांटा? समाज को जाति और पाति में किसने बांटा? समाज को ऊंच और नीच में किसने बांटा? समाज को छूत और अछूत में किसने बांटा? समाज को बांटने का पाप आपने किया, आपके धर्म के ठेकेदारों ने किया। 6,743 जातियों का निर्माण किसने किया? तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था, तथागत बुद्ध की करुणा हो। यानी ये समाज करुणा प्यार स्नेह भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी। तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश जहाँ का राष्ट्रधर्म बहुत धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। सभी उपासक एवं उपासिकाएं, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आज सरदार पटेल संस्थान में स्थापित संपादित हो रहा है, ये देन है पूज्य भंते सुमित रत्न जी का। इसलिए मैं अपनी ओर से, आई हुई जनसैलाब की ओर से भंते सुमित रत्न जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हैं विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है और बुद्ध के दर्शन से है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर भारत के विषय में, भारत की ओर से प्रतीक के रूप में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को तथागत बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है। और साथ ही साथ जब कभी शांति की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम उस भारत से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां बुद्ध की बात होती है वहां युद्ध की बात नहीं हो सकती है। ये भारत की पहचान बुद्ध से है, ये हमारी अतीत गौरवमयी संस्कृति है। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था, तो वहां बुद्ध मिलते हैं, बुद्धकालीन इतिहास मिलता है। अभी आपके इसी इलाहाबाद सीतामढ़ी में घाट पर पक्की सड़क बनाने के लिए खुदाई हुई, जेसीबी से खुदाई हुई तो वहां लगभग 6 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहा था
बदाई में खुदाई हुई तो बुद्ध की प्रतिमा एक नहीं अनेकों मिली। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई, तीनों बार वहां बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ हम तो ये कहना चाहते हैं, जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहां का राष्ट्रधर्म बहुत धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। और साथियों यही कारण है लोगों ने जलाने की कोशिश की, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से भरा पड़ा था, इसलिए लोगों ने उसे जलाने और मिटाने की कोशिश की। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी तथागत बुद्ध, उनका दर्शन, उनका विचार आज भी लोगों के दिल दिमाग में है। साथियों मैं कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भेजने का काम किया, उस समय सोचिए वो सम्राट अशोक जिसके भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, वो अखंड भारत, इतने विशाल अखंड भारत का शासक सम्राट अशोक ने अपने बेटी बेटे महेंद्र संगमित्रा को उस समय लंका भेजा था तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। यही नहीं साथियों, इस देश में बुद्ध का दर्शन है क्या? वो दर्शन है करुणा, मैत्री, बंधुत्व, यानी प्यार का, भाईचारे का। बुद्ध के दर्शन में हम सब समान हैं, मानव मानव एक समान की विचारधारा ही बुद्ध का दर्शन है। जात पात छुआछूत ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। और इसीलिए आज ये बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में नित्य प्रति प्रचारित और प्रसारित होता जा रहा है। साथियों समय समय पर हमारे देश के संतों गुरुओं महापुरुषों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक से लेकर राजा हर्षवर्धन तक बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद संतों गुरुओं महापुरुषों में कभी संत कबीर, कभी संत रविदास, तो कभी गुरु नानक जैसे संतों महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के विचारों को अमली जामा देने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की बात की। आगे चल करके हमारे महापुरुषों की इसी विरासत खाती को सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने ज्योतिबाराव फुले के रूप में, छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के रूप में, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण नगरू संत गाड़गे के रूप में इस कर्म को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। उत्तर भारत में पेरियार ललई सिंह यादव, तो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, तो बिहार में लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हंसते हंसते अपनी शहादत दी थी। इन तमाम महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों, संतों गुरुओं की इसी विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रूप में मानवर कांक्षी राम जी ने सम्मान स्वाभिमान की भूख जगाने के लिए, सत्ता शासन में हुक्मरान बनाने के लिए, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से अपने महापुरुषों को
कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनके बलबूते पर आज ये सोता हुआ समाज सम्मान और स्वाभिमान के लिए ताल ठोकर के खड़ा हो गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आखिर आज हो क्या रहा है? आज ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा समाज को बांटा, टुकड़े टुकड़े में किया, वो लोग हमें उपदेश दे रहे हैं क्या जानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, भूखमरी के शिकार लोग 5 किलो 10 किलो चावल पाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, गरीबी चरम पर है, काला बाजारी चरम पर है, छुट्टा जानवर लोगों के फसल को चरकर चौपट कर दे रहे हैं, ये भूल गए? नारा क्या दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। इनका समर्थन कौन कर रहा है? आरएसएस के सह सर संचालक हस बोले जी कह रहे मैं समर्थन कर रहा हूँ। अरे हस बोले जी और मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसने बांटा? समाज को जाति और पाति में किसने बांटा? समाज को ऊंच और नीच में किसने बांटा? समाज को छूत और अछूत में किसने बांटा? आप उल्टा सेखी बघार रहे हो। समाज को बांटने का पाप आपने किया, आपके धर्म के ठेकेदारों ने किया। अपने पाप का चादर दूसरों पर डालने की कोशिश मत करो। और यही नहीं, 6,743 जातियों का निर्माण किसने किया? ब्राह्मणों में भी एक जात नहीं है, वहां पर है 3-13 और उसके आगे कुछ ऐसी जातियां हैं जिसमें 3 वाले, उसमें कुछ ब्राह्मण की ऐसी जातियां हैं जिनकी लड़की लड़के की शादी आपस में नहीं होती। एक हमारे चित्रकूट वाले बाबा हैं, वो कहते हैं सरजू पारी ब्राह्मण सबसे ऊंच ब्राह्मण है और पूरे देश के ब्राह्मण नीच ब्राह्मण है, ये कहते हैं। तो ब्राह्मणों में भी ऊंच और ब्राह्मणों में भी नीच, ये बांटा कौन बांट रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, जातियों में भी जातियां, ये किसने किया? यही लोग जो करें बटेंगे तो कटेंगे। और आपने तो हद कर दी, धर्म का लबादा उड़ने वाले लोगों ने तो यहाँ कह दिया कि जय बड़ा धम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियां हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, भंते सुमित्र जी ने नहीं कहा, मंच पर बैठे हुए हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। किसने कहा? तुलसी बाबा ने कहा। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने और क्या बंटवारा कर दिया कि सम्मान केवल तुम ब्राह्मण को देना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो तब भी तुम विप्र की पूजा करना, और पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी है ज्ञानी है ज्ञान में प्रवीण भी है तब भी उसका सम्मान मत करना, ये कौन बांटा? यही नहीं, इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहाँ तक कि देश की 93% आबादी को क्या कह दिया? ये मारने पीटने और जुतियाने के पात्र हैं, ढोल गमार सूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसने बांटा? और इनसे भी बड़े एक बैठे हुए हैं जिसको कहते हैं मनु महाराज। मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा, दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयंभुआ, यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक्ति साकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है? ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने पीटने प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? मुख्यमंत्री जी, हस बोले जी, जरा इतिहास का ज्ञान न हो तो
तो मेरी बात सुनकर के अकल आ जाए तो ठीक रहेगा, समझ लोगे तो अच्छी बात होगी, आगे गलती नहीं करोगे। तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था तथागत बुद्ध की करुणा हो, यानी यह समाज करुणा, प्यार, स्नेह, भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी, तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं, जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे, यही हो रहा है। अभी कल झांसी में एक दलित अपने घर का काम कर रहा था, दबंगों ने उसे काम पर बुलाया नहीं गया तो पहले तो उसको पेड़ पे लटकाया उल्टा, उसके बाद बाल बनाया, बाल बनाने के बाद पूरे गांव में घुमाया, वो दलित है इसीलिए ना। इसके पहले ललितपुर में एक कुर्मी समाज के घर में नौजवान को मारे पीटे, घर का सामान लूटे और उससे भी उनका मन नहीं भरा हुआ तो जाते वक्त उसको तेल डाल के जलाने का प्रयास किया। क्योंकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई, अस्पताल ले गई, किसी उसको जान बच गया। महोबा में एक चौरसिया समाज के 24 साल के लड़के को लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के 28 साल के लड़के को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। आपके इसी फतेहपुर में कोरी समाज के एक नौजवान लड़के को, उसको 18 साल का लड़का था, मौके पर मैं भी गया था, इतना पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया, मरा समर्पित को दफनाने जा रहे थे, किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस, उन लोगों गिरफ्तार किया, देखा उस बच्चे की सांस चल रही है, अस्पताल ले गए, किसी तरीके से बच गया। स्थानीय पुलिस को बचाना चाहती थी, चूंकि मौके पर मेरा जाने का कार्यक्रम बन गया, एसपी को मैंने टाइट किया, उससे 308 की मुकदमा धारा बढ़ी और मेरे जाने के पहले उसे गिरफ्तार किया गया। इसी मिर्जापुर में पहले एक मौर्य समाज के नौजवान लड़के को, जो छात्र संघ का महामंत्री भी था, उस पर गाड़ी चढ़ा करके लोगों ने कुचल के मार डाला, एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे, लोगों आक्रोशित होकर सड़क पे आ गए, बहरहाल पकड़े गए, वो निकले भाजपा के पदाधिकारी लोग, आज भी जेल में। अभी 10 दिन पहले 14 साल के एक दलित समाज के लड़के को गड़ासे से काट करके मार डाला। परसों एक दलित परिवार की जमीन जबरदस्ती हड़पने के लिए इतना बुरी तरीके से दबंगों ने मारपीट की कि एक व्यक्ति की तत्काल मौके पर मौत हो गई और 7-8 लोग घायल हो गए, जो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। मैं सारनाथ, वाराणसी सारनाथ सुपुर थाने में गया था, नितिन नाम का मौर्य लड़का 18 साल का था, उसको दबंगों ने जला करके मार डाला। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उसका एक हाथ काट लिया, उसका एक पैर काट लिया। आपके इसी रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का है, दबंगों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। एक शिड्यूल कास्ट का लड़का, दलित समाज का लड़का, रायबरेली का रहने वाला है, जो अमेठी के शिव रतनगंज थाने में अंतर्गत स्कूल संयुक्त विद्यालय, जिसमें प्राइमरी जूनियर दोनों एक होता है, उसमें पढ़ाता था, उसको गोलियों से भून दिया। यही नहीं, उसकी पत्नी, उसके दो बच्चों को मौत के नींद सुला दिया, 4-4 मौतें एक हो गई। यही नहीं, गोंडा में एक दलित समाज के नौजवान को, जो मात्र 22-23 साल का था, दबंगों ने पीट पीट करके मार डाला। मुख्यमंत्री जी, इनमें जितनी घटनाओं को मैंने गिनाया, 3 घटना छोड़ करके सारे घटना को अंजाम देने वाले वो दबंग आपकी बिरादरी के थे, जिस बिरादरी में आप पैदा हुए हो। कहते हो कि हमें क्षत्रिय समाज पर बड़ा गर्व है, क्योंकि भगवान भी इसी क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे। तो क्या आप लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को गाजर मूली की तरह काटते रहो और ये गूंगा बहरा अंधा बनकर आपके हिंदू मकड़जाल में फंस कर आपको वोट देता रहे, प्रधानमंत्री बनाता रहे, मुख्यमंत्री बनाता रहे, और वो अपने बच्चों की लाश को देख करके उफ भी न कर पाए? कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ तो सब एक हैं, फिर भी वो कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। एक होने के बावजूद भी ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये भारत है। जिस भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं,
जब वहां पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम बुद्ध के देश भारत से आए हैं, इसलिए जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं। लेकिन आप तो अपने ही लोगों का सर काट रहे हो, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो और फिर भी कहते हो शर्म नहीं आती कि बटेंगे तो कटेंगे। किसको उपदेश दे रहे हो, किसकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो? और साथियों मैं कहना चाहता हूं इस देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अतीत काल का धर्म है। यद्यपि जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया लेकिन बौद्ध धर्म विश्वव्यापी बन गया। हजारों साल तक भारत भूमि पर बौद्ध शासकों का राज था और यहाँ पर हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद 1000 साल तक मुस्लिम शासकों का भी राज रहा है, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। आप जानते हैं इन धर्म के ठेकेदारों ने हजारों साल तक हमें शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया। और यही नहीं, आज जब हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ करके यहाँ की हकीकत को बयां किया तो अंग्रेजों ने तमाम समाज सुधार की बात की। अंग्रेजी हुकूमत ने हमें पढ़ने लिखने का पहले शासनादेश जारी किया। पहले एक व्यक्ति की बल्दी जाती थी वो शूद्र समाज का होता था, अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। पहले हमारे शूद्र समाज के बेटों की शादी होती थी तो दुल्हन उनके घर नहीं आती थी, 3 दिन 3 रात शादी कराने वाले के घर में रुकती थी, अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। पहले बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था, अंग्रेजी हुकूमत को बताया गया, उसने इस पर रोक लगाई। सती प्रथा, बाल विवाह होता था, अगर अचानक 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र में गौने के पहले अगर लड़का मर जाता था तो लड़की को जिंदा अपने पति के लाश के साथ जलना पड़ता था, अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। यही नहीं, कानून भेदभाव करता था, शूद्र समाज के लोगों की सजा कठोर होती थी और एक जाति विशेष के लोगों को सजा शून्य होती थी। अंग्रेजों ने बराबर कानून बनाया और उसके तहत पहला सजा हुआ बंगाल कोर्ट में नंद कुमार जी को जेल जाना पड़ा। हमारे कहने का मतलब अंग्रेजी हुकूमत ने जो भी सुधार लाए, जब देश आजाद हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम हमारे सामाजिक परिवर्तन महानायकों के साथ जो लड़ाइयां लड़ी और भारतीय संविधान लागू करने का अवसर मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में परमानेंट इस देश के सभी लोगों को बिना भेदभाव के सबको बराबर दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेदभाव नहीं किया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर जी को कदम कदम पर अपमानित किया गया, प्राइमरी स्कूल से लेकर के समाज के हर उस मुकाम पर जहां भी डॉक्टर अम्बेडकर गए जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुए। यही नहीं, विदेशों से सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत भूमि पे आते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनके जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए उनको मजबूर किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर का दिल इतना बड़ा था कि जब संविधान लिखने का मौका पाए तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो अपने लोगों को विशेष अधिकार दे सकते थे लेकिन नहीं किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबके लिए कानून, जो भी भारत में रहता है वो भारतीय है और सबको एक कानून सामने दिया भारतीय संविधान के माध्यम से। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सबको धन अर्जित करने का अधिकार, सबको सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अवसर, सभी को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ हमारे महापुरुषों ने जब जब मौका आया है तो उन्होंने सबके सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल किया। वो चाहे सम्राट अशोक रहे हों, अन्य बौद्ध शासक रहे हों और वर्तमान में चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, सभी महापुरुषों ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबके सम्मान स्वाभिमान का बराबर ख्याल करते हुए सभी के हितों की रक्षा की गारंटी दी। लेकिन आज एक वर्ग विशेष के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो वर्ग विशेष के लोग कौन है? वर्तमान में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था वही आज भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को दलितों आदिवासियों पिछड़ों को काटने मारने जलाने का लाइसेंस मिला हुआ है, उनके घर पर बुलडोजर नहीं जाता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उनके घर नहीं गिराए जाते हैं। लेकिन अगर दलित पिछड़ा
मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति छोटी सी गलती कर देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। आखिर न्याय की न्याय में भेदभाव क्यों, न्याय में भेदभाव क्यों? जब कानून सबको बराबर न्याय देने का वकालत करता है तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के विपरीत आचरण क्यों करते हैं? ये अपने आप सोचने और समझने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आज के प्रवेश में जो आज पढ़े लिखे साफ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए लोगों का हजूम दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे हमारे सामाजिक परिवर्तन के उन क्रांतिकारी महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनका संघर्ष है, उनका त्याग है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़कर के हमारे सम्मान स्वाभिमान धन धरती शिक्षा सम्मान के अधिकार को वापस दिलाने का काम किया। अन्यथा जानते हैं हमें तो जानवर से बदतर माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को जो पढ़े होंगे, महार का तालाब आंदोलन देखा होगा, उसमें कौवे पानी पीते थे, गिद्ध और चील पानी पीते थे, सुअर लौटती थी, भैंसें लौटती थी, गाय पानी पीते थे, लेकिन उसमें शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़के दिलाया था। लेकिन आज आजाद भारत में भी आज कुछ लोग मनुवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ऐसे ही जो मनुवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, वही हमें उपदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज आप सत्ता में हो, गलत परंपरा मत डालो। सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ ये गलत परंपरा मत डालो, क्योंकि तुम 5 फीसदी हो, गलत परंपरा डाल रहे हो। जिस दिन 93 फीसदी लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो तुम कहाँ खड़े होगे, इसको भी सोच करके देखो। इसलिए ऐसा मत करो, गलत परंपरा मत डालो, संविधान के विपरीत आचरण मत करो, इंसानियत का कत्लेआम मत करो, इंसानियत को जातियों धर्मों में बांट करके उनके साथ भेदभाव मत करो। इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन सभी भारतीय हैं। जो भी इस देश का है वो भारत का जो भी है वो हमारा भाई है। यहाँ का मुसलमान यहाँ का ईसाई विदेश से नहीं आया है। समय समय पर किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया वो मुसलमान बन गया, किसी ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया वो ईसाई बन गया, लेकिन मूल बाशिंदे हमारे भारत के हैं। कोई आदिवासी था, कोई अनुसूचित जात का था, कोई पिछड़ा था, और यही नहीं अगड़े भी धर्म परिवर्तन किए हैं। आज इतिहास आप खोलेंगे तो अगर किसी क्षत्रिय ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वहाँ पठान हो गया, किसी श्रीवास्तव ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया शेख हो गया, किसी ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया सैयद हो गया। ये बाहर से नहीं है, ये सब इस देश के है। और यही सर संचालक श्री भागवत जी भी कहते हैं, इस देश का मुसलमान इस देश का ईसाई बाहर के नहीं है, वो भारत के ही लोग हैं। अगर भागवत जी समझते हैं तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं समझते हैं, हंस बोले जी आप क्यों नहीं समझते हैं? कम से कम अपने सरसंघ चालक की बात तो मान लेते, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मत मानिए, लेकिन अपने सरसंघ चालक की बात तो मान लेते। सरसंघ चालक ने कह दिया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, ये भागवत जी ने कहा, संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा। अगर संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा तो उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान ईसाई विदेशी नहीं है, वो भारतीय है। तो कम से कम प्रमुख जी की संघ के प्रमुख भागवत जी की तो बात मान लेते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जातिवाद के जहर में जो पैदा हुआ है वो जातिवादी चरित्र से बाहर आ ही नहीं सकता। ये तो गुण हमारे महापुरुषों में है, उदार मन, विशाल हृदय, सबको साथ लेके चलने की क्षमता, मानो मानो एक समान की विचारधारा। अगर कहीं कोई मिलता है तो ताकत बुद्ध के दर्शन में मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज साथियों आवश्यकता है, ये धम्म नगरी है, ये महाराज हर्षवर्धन की नगरी है। इसी कुंभ मेले की शुरुआत महाराज हर्षवर्धन यहाँ रुक करके 1 महीने तक संगम तट पर रुक करके अपने खजाने को गरीबों में बांटने का काम करते थे, और तब से इसको मिलने की शुभारंभ। तो ये भी बुद्ध नगरी है। भंते सुमित्र जी ने इस आयोजन को इस संगम तट पर इसीलिए किया कि कम से कम इसी बहाने हमारे अतीत गौरवशाली महाराज हर्षवर्धन किस महानगरी पर हमें एक बहुत बड़ा महासम्मेलन विश्व बौद्ध सम्मेलन के रूप में करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं पूज्य भंते सुमित्र जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि आपने केवल विश्व बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन नहीं किया, बल्कि महाराजा हर्षवर्धन जो बौद्ध शासक थे
उनके अतीत गौरवमयी धम्म नगरी इस प्रयाग की धरती को आपने धन्य किया है और ये बताने की कोशिश की है कि यह बौद्ध राजाओं की धरती रही है, महाराजा हर्षवर्धन की नगरी रही है, ये धम्म नगरी रही है और वो व्यवस्था आज भी कुंभ मेले के रूप में चल रही है, जो विश्व के तमाम लोग आज भी इस मेले में आते हैं। मैं अपने नेपाल सहित देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए उन अतिथियों का भी मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा छात्र जीवन इसी इलाहाबाद में बीता, सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत भी मेरी इसी इलाहाबाद की धरती से शुरू हुई। यही नहीं, ये इलाहाबाद नगरी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ का किला है इसका शुभारंभ कभी सम्राट अशोक ने कराया था और सम्राट अकबर ने इसका पुनरुद्धार कराया था, इसलिए भी ये महानगरी अतीत गौरवशाली नगरी है। हम इस सरजमी को भी नमन करते हैं क्योंकि हमारा पूरा विद्यार्थी जीवन यहाँ बीता, यहीं से सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की और साथ ही साथ राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जाने का अवसर भी इसी इलाहाबाद नगरी के आशीर्वाद से मिला, इसलिए इस इलाहाबाद नगरी को भी प्रणाम करता हूँ और भंते सुमेधन को बंदनाम करते हुए मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत धन्यवाद करते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।